ठीक है, इसमें बोल रहा फाइंड द करेंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, वी हैव एन वन सेल्स हेयर एंड सिमिलर एन टू लाइन्स आर हेयर, यू हैव टू फाइंड करेंट थ्रू दिस पार्ट। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का देखते हैं क्या होता है। तो वन पार्ट विल गिव एन वन इन टू एज ई एम एफ एंड एन वन इन टू आर एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर वन पार्ट वी विल हैव दिस मच ई एम एफ एंड दिस मच इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ इफ यू कंबाइन ऑल दिस सीरीज, ठीक है, ऑल दिस सीरीज इन पैरेलल, देन द फाइनल ई एम एफ will be what? EMF of one part divided by internal resistance of one part, EMF of second part divided by internal resistance of second part, like this, and here 1 by R1 plus 1 by R2, like this, okay? EMF, the net EMF of whole combination can be found like this, so E1, एक का EMF कितना होगा? N1 into E divided by एक का रेजिस्टेंस N1 R, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, N2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1 बाय N1 R, हाउ मेनी टाइम्स, N2 times, इतना आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, E by R into N2, N2 E by R, यहाँ पर N2 N1 by S, तो N2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, R भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, N1 into sigma, ठीक है, this is the net EMF of the whole combination. Now net internal resistance we have to find. So net internal resistance कितना होगा, एक का कितना है, एक लाइन का N1 R, the whole combination का आप लोग लिखते हैं कैसे, 1 by R1, इसी तरह कितना times, N2 टाइम्स, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 बाई N1 R N2 टाइम्स, सो वी कैन राइट N2 बाय N1 टू R, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N1 R बाय, सो वी हैव द टू थिंग्स, द नेट EMF एंड net EMF and net internal resistance, both we are having. Find the current. Current kitna hoga? I equal to N1 E divided by R equivalent. R equivalent plus external resistance, R equivalent N1 R by जो गया, समझ में आया, N1 N2 VM and VB in the circuit shown. देखो ऐसे हमारा दिया हुआ है, सर्किट है इस तरह का है,
वी हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी, ठीक है, इसको कैसे करें? तो लूप बना सकते हैं या फिर एक लाइन से भी चल सकते हैं सीधा लेकर, वैसा वी ए से वी बी तक क्या होगा। तो सबसे पहले करंट हमें लिखना होता है, फर्स्ट वी राइट द करंट फ्रॉम द जंक्शन लॉ। तो सपोज वी हैव करंट कमिंग टू दिस पॉइंट इज आई वन एंड दिस साइड इज सपोज आई टू, देन दिस साइड विल बी आई वन माइनस आई, ठीक है। दीज आर द करंट्स अलोंग द थ्री सेगमेंट्स। अब हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, लूप लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, लूप लॉ लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये दोनों सेल पैरेलल मान सकते हैं, ये दोनों सेल आपस में पैरेलल है, ठीक है, देखेंगे हम हर तरीके से करेंगे, ठीक है। एक और चीज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इससे भी करें, वो भी एक तरीका से होता है। तो पहले हम लूप से करते हैं, सिंपल तरीका से, दो लूप है, देखो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, क्या लिखेंगे, ई वन सेम डायरेक्शन, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ सेम है, लूप डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन भी सेम है, एक ही लूप है इसमें, तो हो जाएगा आई वन आर वन, और इसका ये भी सेम डायरेक्शन है आई टू आर थ्री, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। नाउ राइट फॉर सेकेंड लूप, दिस ई टू ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज पोलैरिटी इज अपोजिट टू द लूप डायरेक्शन, ठीक है। देन करंट इज गोइंग लाइक दिस, सो वी विल राइट I1 माइनस I2 इनटू R2 फॉर दिस रेजिस्टेंस, एंड फॉर दिस वन करंट इज अपोजिट टू द लूप, सो वी विल राइट माइनस I2 R3, दिस आर द टू इक्वेशंस। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, I2 निकालना है, I2 निकाल कर R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इफ वी टेक द I2 into R3, वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करो इसको, I1 को रिप्लेस कर दो इक्वेशन, टेक द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम फर्स्ट वन एंड पुट इन द सेकंड वन, करो इसको, टेक द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड पुट इन द सेकंड वन एंड सॉल्व इट। Divided by 1 by R1
प्लस 1 बाय आर ठीक है। अब ये हो गया नेट ईएमएफ। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, बिकॉज दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू सिस्टम्स आर इन पैरेलल, वी हैव अज्यूम्ड दैट द आर वन इज कंबाइंड विद द सेल, सो दिस इज वन सेल, दिस इज सेकंड सेल, कंबाइनिंग दिस बोथ विल गिव दिस ईएमएफ एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है। अब हमारे पास फाइंड आउट करना फाइनली पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, पोटेंशियल हमारा निकालने का तरीका होता है टोटल ईएमएफ, पोटेंशियल कैन बी फाउंड टोटल ईएमएफ इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ये फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विच इज कनेक्टेड थ्रू ए रेजिस्टेंस आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वोल्टेज डिफरेंस, याद है सभी को ये, ये हम लोग किए थे ठीक है सेल के लिए। तो इसमें क्या क्या पुट करना है, ईएमएफ की जगह क्या लिखेंगे, एक्चुअली इसको आर को पहले डिवाइड करो, इधर नीचे ईएमएफ की जगह लिखेंगे ई वन बाई आर वन प्लस इनटू बाय आर ठीक है डिवाइडेड बाय वन हो गया, यहाँ पर क्या होगा आर की जगह ये वाला होगा वन बाय आर, वन बाय आर की जगह क्या लिखेंगे वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, ये आंसर कैसे आया, सभी का यही आंसर आया है क्या, ये वाला सेम आया है। तो यहाँ अगर है, अगर हम लोग यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे थे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा वन प्लस ये आर है, ये हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू ये आर थ्री है, ये हो जाएगा ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके शायद आ जाए वही चीज, वही चीज़ है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या है आर वन आर थ्री इस तरफ एक आ जाएगा आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री, और नीचे में क्या आएगा आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री, तो अलग आ रहा है, अलग आ रहा है ना, आंसर में कौन सा दिया, ये वाला दिया आंसर में, ये तो हम लोग पूरे सॉल्व करके निकाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो करेक्ट भी होगा, लेकिन इसमें कहाँ की एरर है, ये फॉर्मूला अगर हम लोग सेल की तरह ट्रीट करें पोलैरिटी वाइज तो ठीक है दोनों, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू यहाँ देखो ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आ जाता है यहाँ, इसमें प्लस वन क्यों करेंगे हम लोग, तो केवल सेल का लेना है क्योंकि उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किए हैं आर थ्री, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर थ्री, नहीं अगर उसको भी ये मान लें कि वहाँ पे वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो बैटरी से लगा हुआ है वो उसका इमेज जीरो, हाँ कर सकते हैं वैसा भी, नहीं तो इसमें भी लेकिन आना चाहिए ना ठीक है, इसमें भी तो आना चाहिए, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो गड़बड़ी वो गड़बड़ नहीं कर रही है, देखो क्या कर रही है, देखो हम लोग ई एम एफ लिखे हैं, ई एम एफ तो ये भी है ना ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये है पूरा ई एम एफ ना, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आर थ्री से, अब नीचे में
तो एक्चुअली ये है क्या, ये है 1 by R equivalent है और यहाँ पर है R equivalent और प्लस R, ये चीज़ है। अब इसको देखते हैं करके, ठीक है, वो गलती नीचे का ये वाला छूट गया, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, ये हो गया। अब ये अगर इस चीज़ को हम लोग क्या करें, यहाँ पर डिवाइड करें, ठीक है, तो कैसे कैसे हो जाएगा, EMF by R1 plus EMF 2 by R2, ठीक है, पहले तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है तो R equivalent कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा R equivalent, ये हो गया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब ये क्या होगा, मान लो इसके साथ ही पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, नाउ डिवाइड इट इनटू द होल थिंग, मतलब यहाँ पर R into E plus, हाँ सेम चीज आ रहा है, ठीक है, सेम चीज आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, फाइनली फाइनली आ जाएगा EMF by R1 plus EMF 2 by R2 divided by 1 by R प्लस 1 बाई आर क्यू। अब आर इक्यू का वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर क्यू, ठीक है, प्लस वन बाई आर, समझ में आया, ये एक तरीका है। अभी हम लोग एक और तरीका करेंगे, ठीक है, लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, वो भी एक मेथड है, तो इक्वेशन को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे, उससे क्वेश्चन को यहीं पर आने देते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। देखो इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहले मान लो इफ वी हैव ए सर्किट एंड इन दैट सर्किट वी हैव मोर देन वन सेल, देन वी कैन सॉल्व द सर्किट फॉर ओनली कंसिडरिंग ओनली वन सेल एट ए टाइम, एक सेल के लिए कंसिडर करके सर्किट सॉल्व करेंगे, देन फिर क्या करेंगे, फिर एक बार सॉल्व करेंगे उस सेल को हटा कर दूसरे सेल को, ठीक है, फिर उसके बाद और अगर सेल है तीन है तो फिर तीसरे सेल को रखकर, मतलब एक बार में एक ही सेल पूरे सर्किट में लेना है। अब उसके हिसाब से हम करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द करंट एंड पोटेंशियल्स, ठीक है, वोल्टेजेस तीनों को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्बिनेशन का वैल्यू के बराबर है, समझे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे देखो मान लो ऐसे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऐसे है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ऐसे सर 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम, इसमें हमें हर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 5 ओम को हटा देते हैं, 5 वोल्ट को हटा देते हैं, ओनली 10 वोल्ट इसको हटा दें, ठीक है, डायरेक्ट करंट 5 वोल्ट यहाँ पर जो था उसको हम लोग हटा दें, तो क्या होगा देखो, now circuit is simpler, these two are in parallel and series with this one, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3 into 4 by 3 plus 4 कितना हो गया, 12 by 7, ठीक है, this 12 by 7 added with 2 ohm, 12 by 7 plus 2 कितना हो जाएगा, 26 by 7, so this is the total resistance. Now we can find the current. Current कितना होगा? 10 volt है. 10 by 26 by 7. So 70 by 26. This is the current. And direction will be like this. ठीक है? अब ये current तो इससे आ रहा है. अब दोनों में distribute हुआ है. The current is distributed among the two components. तो वो भी हम लोग कर लेते हैं. Distribute कर लेते हैं.
तो ये तो नेट करंट हो गया, अब इससे कितना पास करेगा, इससे कितना करेगा, तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो व्हाट वी विल डू इज मान लो इसको आई वन लिखा, और इसको आई टू, आई वन हो जाएगा फोर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इससे मल्टीप्लाई करें, फोर इंटू थ्री प्लस फोर, और यहाँ हो जाएगा 70/26, कितना आ रहा है देखो 7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 4/7 इंटू 70/26 40/26, ठीक है, और I1 हो गया, इसी तरह I2 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे I2 ये चीज हमारा आ गया कंसीडरिंग ओनली वन सोर्स, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट वी विल रिमूव दिस वन एंड वी विल कंसीडर दिस वन, सेल का डायरेक्शन किस तरह सपोर्ट है, इधर प्लस था 5 वोल्ट का, ठीक है, 10 वोल्ट को हटा दिए, यहां 5 वोल्ट, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/5, नाउ 6/5 इन सीरीज विद 4, 6/5 प्लस 4 26/5, ठीक है। नाउ करंट, करंट कितना होगा, करंट इस तरफ आएगा, कितना आएगा करंट 5 वोल्ट बाय 26/5, यानी कि 25/26। नाउ दैट विल डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द टू कंपोनेंट्स, तो अगर इसको लिखते हैं आई वन डैश, इसको लिखते हैं आई टू डैश सेकेंड वाले केस के लिए, ठीक है। तो आई वन डैश कितना होगा 25/26 एंड इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर I1 लिख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2+3 कितना आएगा 13, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा 5/13। सिमिलरली I2 डैश ये कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है I2 डैश, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा इससे, ये है 10/26 15/26, ठीक है। तो ये करंट आ गया दोनों के, आप जब नेट वैल्यू में लिखेंगे एक्चुअल में जो होगा वो देखो क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट से हम नेट वैल्यू, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट से नेट करंट, पहले वाले पार्ट में जो नेट करंट आया था कितना था 70/26 आया था, किस तरफ था ये, ऐसे आया था ना, फर्स्ट पार्ट में तो इधर से आया था ये, और इसमें क्या आया है उस सेगमेंट से I2 डैश 15/26 आया है, लेकिन अपोजिट आया है, तो ऐसे हम लिखेंगे, समझ में आया, 70/26 was from the first case and it was going like this, मतलब anti-clockwise, and from the second cell it is 15/26 in clockwise direction, so they are subtracted, कितना आ रहा है 55/26, नहीं इसका आई लेंगे, वो आई हम लोग कौन सा सेगमेंट में लिए थे वो लेंगे ना, ये आई हम लोग इसका क्या लिए थे, ये आई हम लोग इसका मेरे वाला करंट लिए, ये वाला इस सेगमेंट का करंट लिखे ना, इस सेगमेंट का करंट कितना है, इधर भी मेन आई है, नहीं इधर तो मेन आई नीचे वाला था, जिस सेगमेंट का लिख रहे हो उस सेगमेंट का लेंगे ना, समझ रहे हो, हम लोग इस पार्ट के लिए लिख रहे हैं करंट,
इस पार्ट का करंट लेंगे दोनों से, ठीक है, नीचे वाला क्यों लेंगे, ठीक है। नेमिंग का बात था, नेमिंग तो हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पर आई लिखे, यहाँ पर आई डैश लिखे, तो इस पार्ट से जो करंट फ्लो कर रहा था दोनों केस में वो कंसिडर होगा। नाउ कम टू द मिडिल, मिडिल वन, मिडिल वाले में फर्स्ट केस में क्या करंट था, ये था 40/26, ठीक है, और इस वाले में क्या था, I1 डैश, ये 5/30, और दोनों सेम डायरेक्शन में, ये यहाँ पर 70/26 है ना, 70/26 टोटल करंट, टोटल करंट कहाँ पर है, टोटल टोटल किसी एक सेगमेंट से पास कर रहा हो, कौन से सेगमेंट से पास कर रहा देखो सुनो, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ टोटल करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ से होता है, हर सेगमेंट से तो अलग अलग करंट पास करता है ना, टोटल करंट किस चीज को बोले ना, तो दोनों केस में टोटल करंट का अलग अलग मतलब है। टोटल करंट फर्स्ट केस में रही है तो सेल, सेकंड में भी सेल से, बट सेल वाज हियर इन सेकंड केस एंड हियर इन फर्स्ट केस, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो टोटल करंट उस तरह से मत देखो किसका टोटल है उसमें भी टोटल है, वैसे नहीं, किस सेगमेंट से करंट ले रहे वो देखना है, उस सेगमेंट से 40/26 ऊपर वाले सेगमेंट से कितना पास कर रहा था, 70/26 पास कर रहा था, ठीक है। दो डायग्राम बना लो, इसलिए तुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, इसका दो डायग्राम बनाओ एक, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर फोटो मिटा के बना दिया, दो अलग अलग डायग्राम बनाओ इसका डायग्राम, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन रहेगा बाद में, ठीक है। एक में फर्स्ट डायग्राम में 10 के ऑर्डर को इसको हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे आई, और यहाँ पर था आई वन, और यहाँ पर आई टू, ये डायग्राम बनाओ पहले, इसको हटा दो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, इसको बना, हाँ तो पांच बार करना होगा, लूप वाला तो कर तो सकते हो, लास्ट क्लास में बताया था, तो इससे फायदा, एक और मेथड है, इसमें फायदा ये है कि कई बार दिक्कत होता है सॉल्व करने में, वहां पर इसको समझना बहुत आसान होता है, मैं प्रोसेस तो लेंदी है लेकिन समझना इसको ज्यादा है इसमें, तो जनरली कम ही यूज में आता है, इसको हम लोग कम ही यूज करते हैं। ठीक है, हो गया फर्स्ट डायग्राम, अब देखो सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड डायग्राम में था ये हट गया, यहां पर सेल आ गया, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, दिस इज आई वन, दिस इज this is I dash, this is I1 dash, this is I2 dash, ये है second वाला case, ठीक है। अब देखो हम लोग को अगर अपर पार्ट से, अपर सेगमेंट से करंट निकालना है तो कौन कौन सा ऐड करो, I from the first part and I2 dash from the second part, और subtract को वैसे क्योंकि I2 opposite में, तो ये निकलेगा, ठीक है। We have to find current through 3 ohm, 3 ohm वाले में क्या करेंगे, I1 dash तो एक रहेगा, और कौन सा रहेगा, I1 dash रहेगा और I1, ठीक है, 40/26 and I1 dash कितना है, 5/30, ठीक है, कितना आएगा, 50/26। सिमिलरली फॉर द लोअर मोस्ट पार्ट, फॉर लोअर मोस्ट पार्ट क्या है, आई टू, एंड आई डैश,
आई डैश उल्टा है ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो दीज आर द करेंट्स, ठीक है समझ में आया। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो वाला निकाल सकते हो क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके? इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके बनाओ। तो ये क्वेश्चन 36 नंबर, केवल मिडिल पार्ट का निकालना है, देखो बाकी का जरूरत नहीं है, केवल मिडिल पार्ट से हम लोग को पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल निकाल दो, इसको हटाकर पोटेंशियल यहाँ से निकाल दो ठीक है, फिर इसको हटाकर पोटेंशियल निकाल दो, पोटेंशियल को भी ऐड कर दो, जैसे करंट ऐड होता है इसी तरह पोटेंशियल भी ऐड होता है सेम तरीके से। एंड नो नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल थ्रू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओनली फ्रॉम दिस थ्रू दिस पार्ट, क्या उसको ऐड कर दो। Thank you.